अभी इसे मोड़ पर लेकर आते हैं आपके लिए चार का चौका और पहला ट्रेड आएगा सस्ता ऑप्शन। प्रशांत बताइए। तो हर्षा जी, लॉरस लैब्स और ओवरऑल फार्मा सेक्टर काफी स्ट्रांग लग रहा है और मुझे लग रहा है कि लॉरस लैब्स एक अच्छी मूव दे सकता है, मोमेंटम यहाँ पे बिल्डअप हो सकता है। तो इसकी जो जनवरी महीने की 430 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन जो ऑलमोस्ट 21 पे ट्रेड कर रही है, इसको आप 15 के स्टॉप लॉस से खरीद सकते हो। 15 टारगेट आपका होगा 30 से लेके 32 तक, 30 से लेके 32। ओके, ये फिलहाल आपके लिए 30 से 32 तक के लेवल्स के लिए 430 का कॉल लेना है लॉरस लैब में। ये ट्रेड हो गया। एफएनओ सुपरस्टार चंदन, बिल्कुल मेरा फोकस यहाँ पे पावर रिलेटेड कंपनीज पे था और मैंने यहाँ पे गेल पे डिस्कशन किया। अब नए ट्रेड के तौर पे मैं मैकडोवेल पे रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। जिस हिसाब से प्राइस पैटर्न है इंडिकेट करा, हल्का सा फॉलो अप हुआ तो 5-6% की रैली यहाँ पे बन जाएगी। वीकली चार्ट पे एक बड़े चैनल के अपर बैंड पे चल रहा है तो हल्का सा फॉलो अप चाहिए और मेरे हिसाब से ये लगभग 5वां-6वां अटेम्प्ट होगा इस लेवल पे बार बार आने का। तो डिसाइसिवली जिस हिसाब से 1100 के ऊपर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे 4-5% का रनअप बनेगा तो मैकडोवेल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। मोमेंटम और ईयर एंड स्प्रिट यहाँ पे हाई है, 1088 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 1160 के टारगेट बनने चाहिए। हाई स्पिरिट्स को चेस करते हुए चंदन जी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बाय कॉल देते हुए अभी चमत्कार करेंगे प्रकाश सर चार्ट पर। सर आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड है इस वक्त है वो LTTS लैथरन टुब्रो टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज, ट्रेड करा है 5241, स्टॉप होगा 5200 का, सिर्फ 40 रुपए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 5300-5350, ये एक जोन है, LTTS वहां तक जा सकता है। ओके, LTTS आपका बाय ट्रेड है, करीब 52-47 पे ट्रेड करता हूँ, अच्छा मूव यहाँ पे है। मिड कैप फंडा आज गौरांग जी के सौजन्य से आएगा। गौरांग जी क्या पिक कर रहे हैं आपका ट्रेड आज का? एक फार्मा सेक्टर है, छोटी मझौली कंपनी कह सकते हैं आप, विरेंद्र ज़ाइडस लाइफ साइंस। इस कंपनी के ऊपर मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते कुछ खबरें भी आई थी, करीबन 690 के आसपास कामकाज कर रहा है, बुनियादी तर्क के आधार पर 800 तक के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये भी कहना जरूरी होगा कि अगर नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये लंबी अवधि के लिए नजरिया है। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ज़ाइडस लाइफ में साफ बन रही है। चलिए मैं आपके लिए रिकैप कर रही हूँ सारे ट्रेड्स और फिर इनोवा कैपटैब पर भी नजरें रहेंगी जो लिस्ट हो रहा है। पहला ट्रेड सस्ता ऑप्शन लॉरस लैब आया, 430 का कॉल लेने की सलाह, 21 रुपए पर सजेस्ट किया था, 22-40 हो गए हैं, 30 पहला टारगेट, 32 अगला, 15 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे। फिर आया यूनाइटेड स्पिरिट्स 1160 के लिए, चंदन कह रहे हैं तेजी कीजिए, 1088 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा और साथ ही साथ आप रखिएगा L&T टेक सर्विसेज को रेडार पर। यह गाबा साहब की पिक है चार्ट का चमत्कार में, 5300 और 5350 के टारगेट के लिए मौका और 5200 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। और मिड कैप फंडा आपके लिए स्क्रीन पर हाजिर किया है ज़ाइडस लाइफ, खरीदारी का कॉल गौरांग दे रहे हैं, 60.6% के गेंस यहां पर आते हुए, तो क्लियरली हल्का मोमेंटम है लेकिन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक गौरांग ने आइडेंटिफाई किया है। स्क्रीन पर आपके फ्लैश हो रहा है इनोवा कैप टैब, लिस्टिंग की तैयारी यहां पर और जो सेटलमेंट हुआ है करीब करीब 2% के प्रीमियम पर इस स्टॉक की पारी की शुरुआत होगी, ये डेब्यू कर रहा है आज। याद रखिएगा 55 गुना भरा था ये इशू और लगभग 448 इशू प्राइस था, उसके सामने एक ओके लिस्टिंग। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।